करता हूँ सीयूसी वाली फीलिंग का एक न्यू ब्रांड एपिसोड में। तो गाइस हम बहुत दिनों से सीयूसी खेलते आए हैं, बट हमारा जो दिल में है सीयूसी के लिए जो फीलिंग है हम एक दूसरे के साथ कभी भी शेयर नहीं किया हुआ है। तो गाइस इसीलिए हम लेके आए हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है सीयूसी वाली फीलिंग्स। तो इसमें हम अपना जो सीयूसी वाली फीलिंग है, हमारा दिल में जो भी फीलिंग है सीयूसी का, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं एंड क्लास ऑफ क्लास इंडिया के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में कुछ सीयूसी लवर का उनका सीयूसी वाली फीलिंग जो भेजे हुए हैं आज हम वो देखेंगे एंड एंजॉय करेंगे। एंड आप भी हमारे साथ आपका सीयूसी वाली फीलिंग को शेयर कर सकते हो एंड इस वाले सीयूसी फीलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल आपका सीयूसी वाली फीलिंग को रिकॉर्ड करना है विथ फेसकैम के साथ। एंड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ सीयूसी वाली फीलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर देना है। तो गाइस चले बिना देरी करते हुए अभी जाते हैं हमारा सीयूसी वाली फीलिंग के तरफ एंड देखते हैं हमारा जो सीयूसी लवर्स उनका फीलिंग क्या क्या है। hey guys, मेरा असली नाम डॉक्टर अक्षराज गोयल है। मेरा क्लैश ऑफ क्लैंस गेमिंग आईडी इनफेक्ट है। मैं जनवरी 2014 से क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा हूँ और मैं एक मैक्सड आउट TH-12 हूँ। क्लैश ऑफ क्लैंस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग गेम है। इसमें ट्रूप्स, डिफेंस, हीरोज सब चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं और इन्होंने एक टाइम था जब क्लैंस भी इवॉल्व करे थे और मुझे वो चीज़ बहुत एक्साइटिंग लगी थी। TH-13 मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया क्योंकि इन्फर्नो और क्वीज इफेक्ट क्लैश ऑफ क्लैंस में बहुत पुराने हैं। वो गीगा इन्फर्नो की जगह कुछ गीगा हाइड्रो, गीगा लेजर या फिर कोई गीगा शॉटगन जैसी चीज़ देते और फ्री इफेक्ट की जगह कुछ हीटिंग इफेक्ट या फिर कुछ जलाने वाला इफेक्ट देते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इनोवेटिव होता। क्लैश वाली फीलिंग है मेरे लिए वॉर स्कोर चेक करना। मैं अपने बिजी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक के शेड्यूल से जब भी वॉर स्कोर चेक करता हूँ तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता है क्योंकि एक भी 1 स्टार या एक भी 3 स्टार आपका पूरा का पूरा स्कोर का वॉर का बदल सकती है। तो क्लैश वाली फीलिंग मेरे लिए वॉर स्कोर चेक करने का एक्साइटमेंट है। हे गाइस, मेरा नाम है शिवम पांडे और मेरा जो क्लैश ऑफ क्लैंस अकाउंट है वो भी है शिवम पांडे के नाम से। अभी रिसेंटली मेरा जो टाउन हॉल पहले मैक्स हुआ है और मैं करीब जून 2015 से कंटिन्यू सीयूसी खेल रहा हूँ और मुझे सीयूसी खेलना उससे क्लेम वॉर्स की वजह से पसंद है, CWL की वजह से पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनको खेलना। बात करें नॉर्मल मैडिंग की तो मुझे उसका कलर डिजाइन लुक काफ़ी अच्छा लगा। उसके जो न्यू सीट मशीन है वो मुझे पसंद खास नहीं आई और उसके ट्रूप्स की और डिफेंस जो नया आया उसके बाद पहले वो मुझे काफ़ी पसंद आए। आई लव न्यू हीरो रॉयल चैंपियन, मतलब उसका जबरा फैन हो गया। बात करते हैं सीएस वाली फीलिंग की तो स्क्रीन वॉर्स जीतना, वॉर में स्ट्रीक बनाना, सीधे मेल में टॉप करना, इन सबसे मुझे मिलती किक और यही है मेरे लिए सीएस वाली फीलिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनू है एंड मेरा विलेज नेम टेंट ऑफ मिराकल है एंड मैं टाउन हॉल 12 हूँ एंड मुझे सीयूसी खेलते हुए करीब 3 साल हो चुके हैं एंड मुझे इस बार टाउन हॉल 13 के वॉल्स इतने पसंद नहीं आए एंड बाकी सब मस्त है। बाकी सब रॉयल चैंपियन तो मस्त है भाई, खतरनाक है एकदम। एंड मेरे लिए मेरे बेस्ट सीयूसी वाली फीलिंग मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तब मैं और मेरे 3-4 दोस्त हम मिल के एक बेंच में बैठ जाते थे एंड पूरी क्लास में हम एकदम सीयूसी के बारे में डिस्कशन करते थे एंड कि कैसे क्लान का लेवल बढ़ाएंगे, कौन किस पे अटैक करेगा, वार कब स्टार्ट करना है, तो ये सब तो मेरे लिए सीयूसी वाली फीलिंग है। हेलो गाइस, मेरा नाम अंशुमन है और मैं एक TH-10 Max प्लेयर हूँ और मैं पिछले 2 साल से सीयूसी खेल रहा हूँ। मुझे सीयूसी खेलना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये इंडिया के सबसे पहले ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में से एक था और मैंने इससे ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजिक गेम आज तक नहीं देखा जिसमें ना ही सिर्फ ट्रूप्स, रेड्स और डिफेंस बल्कि हमें दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करने को भी मिलता है। और मेरे क्लास वाली फीलिंग है वो जब मैं
वार में पार्टिसिपेट करता हूँ. दैट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग विच ऑलवेज मेक्स माई डे. और रही बात अपडेट्स की, तो अगर लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो जो TH13 का अपडेट था, आई रियली लव दैट एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द न्यू. सो जय हिंद दोस्तों, मैं मियोल और मैं ओपिनियन से हूँ. तो गाइस फाइनली इतना दिन वेट करने के बाद फाइनली टॉपिक 13 आ चुके हैं. तो गाइस मैं टॉपिक 13 में किया क्या नया आया है ये जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ. टॉपिक 13 का लुक और जो नया स्कैटर शॉट नाम का जो डिफेंस वो एकदम कतई जा रहे भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, ओपी लग रहा है. तो गाइज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ टावर 13 का जो थ्री स्टार अटैक स्ट्रेटजी वो कौन सा है ये देखने के लिए तो मैं एकदम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ. तो गाइज सब मिला के एकदम टावर 13 एकदम ओपी है भाई. तो गाइज आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए. हे गाइज, मेरा नाम राजेश है, मैं एक TH10 का मैक्स प्लेयर हूँ. मैं पिछले 3 साल से क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा हूँ और मेरे हिसाब से ये इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है. इसकी स्ट्रैटेजीज और इसके वॉर अटैक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मेरे लिए मेरी क्लैश वाली फीलिंग है वॉर्स, कि मैं जानता हूँ हर एक अटैक इम्पॉर्टेंट है और हर एक अटैक गेम बदल सकता है. रही बात TH13 के अपडेट की, तो मुझे इतना खास नहीं लगा, सिमिलर था TH12 के अपडेट से. एंड हीरोज की बात किया जाए तो नया हीरो आ रहा है, रियली एक्साइटेड फॉर इट. एंड हीरोज के नए अपडेट्स और नए ट्रूप्स, रियली एक्साइटेड. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक छापड़िया है, एज 20 ईयर्स, और मैं लगभग 1 साल से COC खेल रहा हूँ और मेरा Town 1 9 मैच काफ़ी हद तक. और Town 1 13 का जो नया अपडेट आया है वो उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एयर गैस, क्योंकि वो अटैक करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल. हेलो गाइस, मेरा नाम रंजीत है, मैं यूपी बिहार से हूँ और मैं क्लैश ऑफ क्लैंस पिछले 2 साल से खेल रहा हूँ. और ये जो Town 13 है ये बहुत अच्छा अपडेट आया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और मेरा भी 11, मैं Town 11 में हूँ और कम से कम लगभग मैक्स हो चुका है. तो गाइस आई होप आपको ये जो जितना भी COC लवर का उनका जो फीलिंग देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा. एंड यार प्लीज़ आप भी अपना COC वाली फीलिंग को शेयर करिए हमारे साथ, COC वाली फीलिंग में पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू सो मच. एंड गाइस यार इस वाले भाइयों को जो भी COC का फीलिंग हमारे साथ शेयर करें आज, तो यार उनके लिए एक लाइक हो जाए. एंड गाइस प्लीज़ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले फीलिंग्स भाइयों का शेयर करिए आपका क्लैश ऑफ क्लैंस दोस्तों के साथ. एंड मैं मिलूँगा आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक हंसते हुए खेलते रहिए द क्लैश ऑफ क्लैंस.